और चाय बन चुकी है और ये उन्होंने चाय वो चाय छानने के लिए इनके पास बर्तन कितना बड़ा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की जो से हमारी वीडियो है, जैसा कि हम लोगों को बताया कि हम आपको फैसलाबाद के जो से आठ बाज़ार हैं उनकी सैर करवाएंगे। तो यहाँ पर एक मशहूर जो से चाय का स्टॉल है, बशीर टी स्टॉल, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और अब इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी जो सी चाय यहाँ पर क्यों पसंद की जाती है और कितने का ये जो कप देते हैं वो चाय का। तो चलें, अब हम लोग इनके स्टॉल पे आ गए हैं और अब हम भाई से पूछते हैं कि इनकी ऐसी चाय में क्या खासियत है कि जो फैसलाबाद के बाज़ार के लोग हैं इनके स्टॉल पर चाय पीने के लिए क्यों आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, ठीक है। तो अभी हमने आपको इनके स्टॉल का नाम भी बता दिया है और यहाँ पर आमिर भाई मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आप कितने अर्से से यहाँ पर चाय का काम कर रहे हैं? चार साल माशाल्लाह। तो ये आपका अपना स्टॉल है? अच्छा, किसी के साथ है, ठीक है। तो आपकी चाय की क्या खासियत है? यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये कप वगैरह पड़े हुए हैं और ये सफाई का मतलब इन्होंने यहाँ पर लगाया भी हुआ है। ये क्या बेसन टाइप टप रख के बनाया हुआ इन्होंने? पानी नहीं आया इसलिए बेसन है, मतलब बेसन का मुतबादला ये। अच्छा, तो अच्छा जी, ये कस्टमर भी आ गए हैं इनके पास, तो अब ये चाय बनाने लगे हैं। तो भाई, आप ज़रा हमारे सामने बनाएं और हमें बता भी दें कि आप चाय किस तरह मतलब बनाते हैं, आपकी चाय क्यों फैसलाबाद में मशहूर है, पसंद की जाती है। अच्छा, ये पहले इन्होंने लिया है दूध और जो सी आवाज़ है वो चूल्हे की वो कितनी अच्छी है। अच्छा, साथ साथ आप लोग मुझे बताते भी जाएँ कि आप लोग चाय का कप कितने का देते हैं? कितने का? 35 का, मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस है इनकी चाय के कप की। तो इन्होंने पहले दूध को रख दिया है उबलने के लिए, इसको उबाला दिलाना है, क्या करना है आपने बताएं? कोई बात नहीं, अभी आपको वीडियो के बाद बड़े कस्टमर मिलने हैं तो आपने तो परेशान हो जाना है, उबाला दिलाना है आपने। अच्छा, तो और इसके अलावा आप लोग का मतलब स्टॉक की टाइमिंग है, कितने बजे सुबह आप लोग आते हैं? 8 बजे आप लोग आते हैं। अच्छा, तो कितनी देर इसको पकाएंगे अब हम लोग? 5 से 10 मिनट पकाएंगे और इसके बाद हम लोग ये लो जी पत्ती भी डाल दी। तो भाई, आप पहले भी इनके पास चाय लेने के लिए आते हैं, तो इनकी चाय की क्या खासियत है, मतलब आपको क्यों पसंद है? टेस्ट की वजह से। अच्छा, तो आप इधर बाज़ार में रहते हैं? पीछे कचहरी बाज़ार में, इनके स्टॉल पे भी कचहरी बाज़ार लिखा हुआ है और ये भाई भी मतलब इनकी चाय पीने के लिए आए हैं और हमने उनसे भी पूछ लिया कि इनकी चाय उन्हें पसंद है। अच्छा, तो इसके अलावा, आप चाय के अलावा आप लोगों को कोई और काम है कि बस आप लोग चाय का काम ही करते हैं? चाय का काम ही करते हैं। तो अभी ये चाय तैयार हो रही है। चेक करने का तरीका भी देखें भाई का सही बने कि नहीं बना, ऐसे जायका चेक करते ही हैं तब भी आपकी चाय अच्छी बनती है। सिर्फ पानी नहीं आया तो इन्होंने ये बर्तन भी धो लिए हैं ऐसे। आप किसके अंदर चाय डाल कर देंगे? इसके अंदर कप के अंदर डाल कर नहीं देंगे? तो जिन्होंने यहाँ पर पीनी हो उनको इन कपों के अंदर डाल के देते हैं। ठीक है, तो बन गई है चाय? शुरू कर लिया इधर आप लोगों ने काम, कि किसी से सीखी थी आप लोगों ने चाय बनानी? सीखी थी कि चाय बनाना किसी से सीखा था आप लोगों ने कि खुद ही शुरू कर लिया काम? सीखी थी किसे? सीखी थी आपने? बहुत से सीखी थी। एक दिन में सीख गए थे आप? नहीं, कितने दिन लगे थे आपको? अच्छा, आप अच्छी चाय बना रहे थे हैं। ले जी व्यूअर, चाय बन चुकी है और ये उन्होंने चाय वो चाय छानने के लिए इनके पास बर्तन कितना बड़ा है। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी, आपने कह दिया हमने पी ली चाय। नहीं, बहुत मज़ेदार सी चाय जो सी तैयार हो गई है। तो व्यूअर, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये लें जी, चाय बन गई है, कस्टमर भी आ गए हैं लेने के लिए। तो व्यूअर, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और इनके स्टॉल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। क्या स्टॉल का नाम है आप लोगों का? बशीर टी स्टॉल। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।